इस वक्त हरियाणा से दो दो बड़ी खबरें आ रही हैं। पहली खबर है कि फिजा, जिसकी संदिग्ध हालत में आज मोहाली के फ्लैट में लाश मिली। 4 साल पहले फिजा की शादी हरियाणा के पूर्व डिप्टी सीएम चंद्रमोहन से हुई थी। बाद में चंद्रमोहन से उनका विवाद हो गया था। जबकि दूसरी बड़ी खबर भी हरियाणा से ही है। यहां सियासी स्कैंडल की शिकार गीतिका के परिवार ने मांग की है कि गीतिका का पोस्टमार्टम सरकारी डॉक्टर से न कराया जाए और पोस्टमार्टम के बाद उनके शव को परिवार को सौंपा जाए। इस मामले में हरियाणा के गृह राज्य मंत्री गोपाल कांडा आरोपी हैं और उन्हें इस मामले में अपनी कुर्सी से हाथ भी धोना पड़ा है। सबसे पहले बात करते हैं फिजा की। हरियाणा के पूर्व डिप्टी सीएम चंद्रमोहन से शादी रचाने वाली अनुराधा बाली और फिजा की मौत की गुत्थी उलझती जा रही है। आज सुबह फिजा का शव उनके मोहाली के फ्लैट में मिला। बताया जा रहा है कि ये शव 4 से 5 दिन पहले का है, क्योंकि इसमें से काफी बदबू आ रही थी। फिलहाल पुलिस इस पूरे मामले की जांच कर रही है और यह अब पोस्टमार्टम के बाद ही साफ हो पाएगा कि आखिर फिजा की मौत कब और किन हालात में हुई। फिजा फिलहाल मोहाली के अपने घर पर अकेले रह रही थी। अब पुलिस इस बात का पता लगा रही है कि आखिर फिजा की मौत कैसे हुई। आज की सबसे बड़ी खबर यह है, मोहाली स्थित फिजा के घर पर उनकी लाश मिली है। हालांकि अभी तक ये साफ नहीं हो पाया है, तस्वीर साफ नहीं हुई है कि ये मौत किन हालात में हुई। यह आत्महत्या है या फिर स्वाभाविक मौत है या फिर हत्या का इसमें एंगल है। पुलिस इन तमाम पहलुओं पर जांच कर रही है, लेकिन तस्वीर अभी तक साफ नहीं हुई है। शुरुआती जानकारी जो मिल रही है उसके मुताबिक पुलिस ने यह बताया है कि शव काफी बुरी अवस्था में मिला। ग्राउंड फ्लोर में फिजा का बेडरूम था, उस बेडरूम पर बेड में फिजा की लाश पड़ी थी। काफी बुरी अवस्था में ये लाश थी। 5 से 6 दिन पुरानी ये लाश हो सकती है, क्योंकि इसमें से काफी बदबू आ रही है। हमारे संवाददाताओं ने जिस तरह से परिवार के सदस्यों से या आस पड़ोस के लोगों से बात की, तो उनका भी ये कहना था कि फिजा मानसिक तौर पर कुछ परेशान थी, क्योंकि उनका बर्ताव जिस तरह से उनके परिवार वालों से था या फिर आस पड़ोस के लोगों से था, वो काफी अच्छा नहीं कहा जा सकता। गीतिका के घर वालों का आरोप है। और अब आपको दूसरी खबर के बारे में बताते हैं, जो एयर होस्टेस गीतिका के मामले से जुड़ा है। गीतिका के घर वालों का आरोप है कि हरियाणा के पूर्व गृह राज्य मंत्री गोपाल कांडा उन्हें घर पर आकर धमकी देते थे। तो दिल्ली से हरियाणा तक मौत की मिस्ट्री की दो तस्वीरें आपको हमने दिखाई। एक तरफ एयर होस्टेस गीतिका का मामला था और दूसरी तरफ अनुराधा बाली और फिजा का मामला है। अपने फ्लैट में फिजा की लाश मिलने के बाद से कई सवाल उठ खड़े हुए हैं। सवाल ये उठ रहा है कि आखिर फिजा की मौत कैसे हुई, फिजा की मौत की वजह क्या थी और उनकी मौत के पीछे कौन है। इन तमाम सवालों का जवाब तहकीकात पूरी होने के बाद ही लग सकेगा। पोस्टमार्टम रिपोर्ट जब आएगी उसके बाद इन सवालों पर से पर्दा उठेगा। फिजा की लाश आज सुबह मोहाली के सेक्टर 48 में उनके फ्लैट से मिली है। जानकारी ये मिल रही है कि फिजा अकेले ही रहती थी और पुलिस का ये कहना है कि 5 से 6 दिन पुरानी ये लाश हो सकती है। इंडिया टीवी संवाददाता जगदीप संधू ने मौके पर पहुंचे डीएसपी डीएस मान से बात की। फिजा मोहम्मद की अभी अभी मौत हो चुकी है और इस वक्त हम मोहाली में खड़े हैं और यहाँ पे पुलिस पहुंची हुई है और ऐसी खबर आ रही है कि 3 से 4 दिन पहले उनकी मौत हुई है। मान साहब, ये बताइए कि आपको कैसे खबर मिली कि फिजा की जान जा चुकी है। इसके अंकल आए थे आज इसका पता लेने, वो बोल रहे थे कि 4-5 दिन हुआ इसने फोन नहीं उठाया, तो उन्होंने हमें फोन किया। मैं मौके पर आया हूँ, उसकी डेड बॉडी अंदर बेड पर पड़ी है। अभी कुछ भी कहना समय से पहले की बात है। फिंगरप्रिंट और डॉग स्क्वाड वगैरह मजिस्ट्रेट वगैरह बुलाए हैं, उसके बाद हम। बॉडी कितनी पुरानी है? मुझे लगता है 3-4 दिन पुरानी होगी, पर ये कहना समय से पहले की बात है। मुझे पहले जांच कर लेने दिए, उसके बाद मैं पूरी बात बताऊंगा। थैंक यू। भी खबर है कि शराब की बोतल पड़ी हुई थी आसपास?
बॉटल तो नहीं है, क्वार्टर है। मैं बाद में तो ये थे डीएसपी डीएस मान, जिनका कहना है कि फिजा की बॉडी जो है 3 से 4 दिन पुरानी हो सकती है। आप देख सकते हैं कि लोगों का यहाँ पे जमावड़ा लगा हुआ है, पुलिस पहुंची हुई है, क्योंकि मामला काफी हाई प्रोफाइल है। एक पूर्व डिप्टी सीएम की पत्नी का मामला है और इसको देखते हुए पुलिस जाँच कर रही है, बारीकी से जाँच कर रही है कि आखिर क्या वजह हो सकती है। बॉडी जो है डिकम्पोज हालत में है, सुसाइड की है, जहाँ मौत हुई है नेचुरल मौत हुई है, जहाँ इसमें कोई हत्या की कोई एंगल है, उसका पोस्टमार्टम के बाद ही खुलासा हो पाएगा। कैमरामैन विक्रम के साथ जगदीप संधु, इंडिया टीवी, मोहाली। पुलिस अभी तफ्तीश कर रही है, लेकिन आपको बता दें कि फिजा के चाचा ने सबसे पहले पुलिस को इस बात की जानकारी दी थी कि फिजा रिस्पॉन्स नहीं कर रही है, उनका कुछ अता पता नहीं है। उनके चाचा का क्या कहना था इस पूरे मामले पर, आइए जानते हैं। कब पता लगा? आज पता लगा। जान मेरा भाई कोई पुलिस स्टेशन जाके पुलिस ने साथ नहीं थी, तब पता लगा। तो कितने बजे आपने घर चेक किया, पता लगा भी? हमने जाके किया 10:45 आ गए, पुलिस साथ में थी मेरे। तो दरवाजा खोल के पता लगाया किसी तरह की? नहीं, दरवाजा खोल के ये वो अगर लॉक लगा होता, वो लॉक टूटा हुआ था, हमने धक्का वैसे मारा, वो खुल गया। ऊपर के पोस्टर नहीं देख रहे दोनों, उसका ऊपर लॉक भी खुला ही है कमरे का भी, कोई चीज़ हिली नहीं, कोई कुछ नहीं हुआ। और इसी अंदर इसी गेट से ना वो ऊपर आया करती है, उसके बाद ऊपर का पोस्टर है, नीचे का पोस्टर हमारे पास था। कब पता लगा? फिजा की मौत से सनसनी है, सनसनी इसलिए क्योंकि एक हाई प्रोफाइल केस है ये, और इस मौत पर अब तमाम सवाल उठ रहे हैं। पहला सवाल यही है कि आखिर ये हत्या है या फिर आत्महत्या। दूसरा सवाल, आखिरी बार फिजा के फ्लैट में कौन आया। और तीसरा सवाल है कि फिजा को आखिरी बार फोन किसने किया। ये तमाम सवाल हम आपको इंडिया टीवी पर दिखा रहे हैं, जो फिजा की मौत को लेकर अब उठ रहे हैं, क्योंकि ये मिस्ट्री अभी तक साफ नहीं हो पाई है, तस्वीर अभी तक साफ नहीं हो पाई है। सवाल यही है कि आखिरी बार फिजा के फ्लैट में कौन आया, आखिरी बार फिजा की फोन पर किससे बात हुई। और चौथा सवाल यह कि फिजा के फ्लैट का दरवाजा किसने तोड़ा, क्योंकि फिजा के चाचा का यह दावा है कि जब वो घर पर पहुंचे 9:45 पर, तो फिजा के घर का दरवाजे का ताला टूटा हुआ था। और आइए आपको बताते हैं कि आखिर फिजा कौन थी और कैसे वो सुर्खियों में आई थी। 2008 में अनुराधा बाली और फिजा और हरियाणा के पूर्व डेप्यूटी सीएम और भजन लाल के बड़े बेटे चंद्रमोहन अचानक लापता हो गए थे। 40 दिन बाद दोनों शादीशुदा जोड़े के रूप में सबके सामने आए। शादी के लिए दोनों ने धर्म परिवर्तन कर इस्लाम कबूल कर लिया था। शादी के बाद चंद्रमोहन ने अपना नाम चांद मोहम्मद और अनुराधा बाली ने अपना नाम फिजा रख लिया था। फिजा से शादी करने के लिए चंद्रमोहन ने अपनी पहली पत्नी और 2 बच्चों को छोड़ दिया था, लेकिन जनवरी 2009 में चंद्रमोहन ने फिजा को फोन पर तलाक दे दिया और इस तरह से चंद्रमोहन और फिजा की शादी सिर्फ 40 दिन चली। चंद्रमोहन की इस बेरुखी से फिजा इतने सदमे में पहुंच गई कि उन्होंने एक बार पहले भी खुदकुशी की कोशिश की। जनवरी 2009 का यह मामला था। फिजा ने शादी के कानून को तोड़ने पर चंद्रमोहन के खिलाफ केस भी दर्ज कराया था। ये हमने आपको बताया कि फिजा कौन थी। राजनीतिक स्तर पर भी इस मामले ने काफी तूल पकड़ा था, क्योंकि फिजा हमेशा से विवादों में रही, चाहे वो उनका प्रेम प्रसंग हो, चंद्रमोहन के साथ उनकी शादी हो, शादी के बाद तलाक हो, या फिर तलाक के बाद जिस तरह से उन्होंने सुसाइड की कोशिश की हो। ये 3 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। एक तरफ फ्लैट में उनकी लाश मिली, ये वही बेड है जिस पर फिजा की लाश मिली है। दूसरी तरफ दूसरी तस्वीर में हम आपको दिखा रहे हैं जून 2009 की तस्वीर, जब फिजा ने आत्महत्या की कोशिश की थी। और तीसरी तस्वीर में सवाल उठ रहा है आखिर इस मिस्ट्री का राज क्या है, क्योंकि अभी तक यही साफ नहीं हो पाया है कि यह आत्महत्या की कोशिश थी, आत्महत्या थी, या फिर इसके पीछे हत्या का एंगल हो सकता है। तमाम सवाल खड़े हो रहे हैं इस पर, आखिर फिजा किन लोगों के संपर्क में थी, आखिरी बार फिजा की किससे बात हुई, उनके घर पर कौन लोग आते थे, या फिर जब फिजा ने आत्महत्या की उस वक्त वहां कोई मौजूद था। ये तमाम सवाल हैं, लेकिन इन सवालों पर से अब पर्दा तभी उठ पाएगा जब उनकी पोस्टमार्टम रिपोर्ट सामने आएगी, क्योंकि पोस्टमार्टम रिपोर्ट से ही पता चलेगा कि आखिर फिजा की मौत किस तरह से हुई या किन हालात में हुई।